Hello friends, welcome back. You are watching Tech Earning Support. Guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और न्यू इवेंट्स की, कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स की जो है वजीरेक्स की तरफ से और बाइनेंस की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा ही मंथ जो है वो कंपटीशन अनाउंसमेंट्स इवेंट्स से पूरा भरा हुआ है। सो अभी कुछ और न्यू अनाउंसमेंट आई हैं बाइनेंस की तरफ से, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं बाइनेंस के इस अनाउंसमेंट की तरफ। जिस तरीके से मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको वजीरेक्स की तरफ से चलने वाला कंपेन की जानकारी दी थी, जहां आप अगर कुछ टीआरएक्स होल्ड करते हैं तो 20 मई को आपको उन टीआरएक्स में होल्ड करने के बदले उतनी ही क्वांटिटी में मिलेंगे जेएसटी टोकन जो ऑलरेडी लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप पे। तो सेम सिचुएशन अब आ गई है बाइनेंस के अंदर। बाइनेंस ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर जो भी टीआरएक्स होल्ड करता है तो हम उसको देंगे फ्री में जीएसटी टोकन 20 मई को। एज इट इज़ इनकी भी इतना ही है कि टीआरएक्स होल्डर्स को इतनी क्वांटिटी में जो जीएसटी टोकन्स हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कैलकुलेट करने के बाद में। टाइमिंग दे रखी है, एज इट इज़ सारी टाइमिंग वैसी ही है। आपको मिनिमम 100 टीआरएक्स जो हैं कम से कम होल्ड करनी ही हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। टीआरएक्स कहीं पर पड़ा है तो आप उसे सेंड कर सकते हैं बाइनेंस पे, वजीरेक्स पे, जहाँ पे ये अभी इवेंट्स चल रहे हैं। मुझे ये इवेंट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जहाँ फ्री में हमको लिस्टेड टोकन मिल रहा है, टीआरएक्स अपने आप में इतना टोकन है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिनके पास टीआरएक्स नहीं है वो अगर खरीद कर करना चाहते हैं टीआरएक्स को होल्ड, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इनको बताया है कि जो हमें रिसेंट में कुछ टोकन्स मिले थे जिनकी वैल्यू ज़्यादा भी नहीं थी, सो सबका कॉमन आंसर आता था कि इतनी क्वांटिटी के हैं तो इनका तो प्राइस भी नहीं है, तो हम विड्रॉ कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसके ऊपर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है किस तरीके से आपके माई एथर वॉलेट में जो टोकन्स पड़े हैं जिनको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट आप इनकी हेल्प से किस तरीके से टीआरएक्स को बाय करेंगे और वजीरेक्स पे या बाइनेंस पे पहुँचा के 20 मई को जो इवेंट होने वाला है जीएसटी का, उसमें पार्टिसिपेट करके फ्री जीएसटी टोकन्स अर्न कर सकते हैं। ये तो बाइनेंस की फर्स्ट अनाउंसमेंट है जो मैंने आपको दी, जो जस्ट लाइक वैसी ही है जैसे कि वजीरेक्स की। आप जाके वजीरेक्स की अनाउंसमेंट वाला वीडियो जो है वो मेरा सुन सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सेकंड जो बाइनेंस की तरफ से एक और अनाउंसमेंट चल रही है गाइस, वो अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप वजीरेक्स पर आपका अकाउंट है पर अभी तक आपने फर्स्ट INR डिपॉजिट करके $10 तक के USDT बाय नहीं किए हैं तो आप लोगों के लिए ये अच्छा मौका है। फर्स्ट एंड ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो इवेंट है वो केवल इंडियन पीपल्स के लिए है। सेकंड चीज मैं आपको ये बता दूं कि आपको फर्स्ट डिपॉजिट करने पर, फर्स्ट INR डिपॉजिट करके उस INR का $10 USDT बाय करने पर ही आपको 25 तारीख के बाद 15 दिन में आपका रिअवॉर्ड मिल जाएगा। रिअवॉर्ड इस तरीके से होगा कि आपने INR डिपॉजिट किए 700-800 रुपये $10 के इक्वल, उन पैसों से आपने USDT में उनको कन्वर्ट किया। USDT में जब आपने उनको कन्वर्ट किया तो आपके पास $10 के USDT आ जाएंगे, $10 के आपके पास USDT आ जाएंगे। जो स्टैक्स हैं वो काफ़ी सिंपल है, इसके ऊपर भी मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो लिंक भी मैं आपको दूंगी कि किस तरीके से वजीरेक्स पे लॉगिन किया जाता है, किस तरीके से INR डिपॉजिट किया जाता है। और आपको INR डिपॉजिट करने के लिए अपनी KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लॉगिन आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि ये बाइनेंस की तरफ से अनाउंसमेंट। जब आप लॉगिन वाले पेज पर आएंगे तो आपका वजीरेक्स पर और बाइनेंस पर सेम ईमेल आईडी से अकाउंट होना चाहिए। इसके थ्रू आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक ना करके लॉगिन वी और बाइनेंस पे क्लिक करेंगे और वो ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे जो कि सेम आपका बाइनेंस पर है। जब आप लॉगिन करके अपने मेन पेज पे आएंगे,
जब आप लॉग इन करके इस पेज पर आएंगे तो फर्स्ट एंड ऑल आप दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, आप इंडियन होने चाहिए हो एंड सेकंड थिंग होना चाहिए ये आपका फर्स्ट INR डिपॉजिट होना चाहिए जिसके थ्रू आप USDT बाय करेंगे। सो आपको INR कितना डिपॉजिट करना है, $10 तक के इक्वल, जिससे कि उस INR के थ्रू आप यहाँ पे INR वाली में आके इनको सेल करेंगे INR को और उसको USDT में बाय करेंगे USDT को। तो इस तरीके से $10 तक का जो USDT आप बाय करेंगे, सो 25 तारीख को ये इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके 15 दिन बाद आपको $10 बोनस में मिलेंगे, वो $10 आपको WazirX टोकन के रूप में मिलेंगे। सो काफी अच्छा इवेंट है, KYC तो आप सबकी होगी ही इस पे, बट आप देख लीजिएगा आपने का पहला ही INR डिपॉजिट ये होना चाहिए और आप इंडियन होनी चाहिए हो। अगर KYC अभी तक नहीं है तो KYC फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको बैंक से लिंक करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे वो वेरिफिकेशन करनी होगी, तो आप फटाफट कर लीजिएगा। ये केवल 10,000 जो USDT का पुल है, आई डोंट नो कब खत्म हो जाए कम नहीं हो जाए, पर 25 तारीख तक तो अभी है। सेकंड थर्ड इवेंट की बात कर लेते हैं बाइनेंस की, तो थर्ड इवेंट ये है कि फर्स्ट एक्टिविटी हमने ये खत्म कर दी, फर्स्ट GST होल्ड करना है, सेकंड हम लोगों को क्या है $10 तक का INR डिपॉजिट करके उससे USDT बाय करना है और 25 तारीख के बाद 15 दिन वेट करना है जिससे कि $10 की WazirX टोकन हमको मिल जाएंगे। अब सेकंड जो एक्टिविटी है वो भी 10,000 USDT का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसमें अगर आपने यहाँ से जो USDT आपने जो किया था बाय किया है उस USDT को आप बाइनेंस पर सेंड करते हैं तो आपको बाइनेंस पे सेंड करने का जितना भी अमाउंट आप सेंड करेंगे उसका 10% प्रॉफिट आपको बाइनेंस में मिलेगा। तो ये सेकंड एक्टिविटी है, सभी लिंक्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या करना है। बट अभी तक आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जहाँ पे आप फ्री में TRX गेट करके GST का प्रॉफिट उठा सकते हैं। ये स्पेशली डिमांडिंग वीडियो है, सो आप लोग प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स एंड कुछ न्यू एड्रॉप्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचे सही समय पर। थैंक यू।